हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, TGT, PGT और LT की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो जीवाणुओं में पोषण होता है वो दो तरीके से होता है। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और कुछ जीवाणु विषम पोषी होते हैं या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन किसी और स्रोत से प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बना पाते हैं। तो इस आधार पर जीवाणुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं या स्वपोषी जीवाणु हैं, ये अपना भोजन दो तरीके से बनाते हैं। इस आधार पर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी दो ग्रुपों में बांटा गया, पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये प्रकाश के अपघटन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये रासायनिक पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, बनाते खुद हैं। बस यहाँ पर एनर्जी का स्रोत डिफरेंस है, यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है वो प्रकाश की एनर्जी यूज होती है, और यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है वो रासायनिक पदार्थों के टूटने से निकलने वाली एनर्जी का यूज होता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके न्यूट्रिशन के दौरान या आप कह लीजिए भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। यहाँ पर लिखा है O2 इवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H2O का उपयोग नहीं होता है, बल्कि H2O के स्थान पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2S का उपयोग या हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है या किसी अदर सल्फर यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और तीसरा है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तीनों के एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का दो एग्जाम्पल है, एक तो है क्रोमेटियम और दूसरा है थायोस्पाइरिलम। दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्रोमेटियम और थायोस्पाइरिलम, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। इसके बाद दूसरा है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका भी दो एग्जाम्पल लिखा है, एक तो हो गया क्लोरोबियम और दूसरा हो गया क्लोरोबैक्टीरियम। तो क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम दो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के, और दो हो गए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से ही मतलब है, बाकी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सब इतना डिटेल आपके पास पढ़ने भर को समय नहीं है, बस केवल इतना समझिए कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा क्रोमेटियम और थायोस्पाइरिलम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत मस्ट है, एग्जाम्पल में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसे कई बार लिख करके याद कर लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे बैक्टीरिया जो रासायनिक पदार्थों के टूटने से निकलने वाली एनर्जी का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने में, उन्हें कहते हैं
कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो रासायनिक पदार्थ कैसा है। अगर वो रासायनिक पदार्थ सल्फर युक्त है तो उन्हें हम कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर सल्फर यौगिकों का यूज करते हैं अपने भोजन बनाने के दौरान। इसका एग्जाम्पल है बैगिया टोआ और थायोबैसिलस। आपने बैगिया टोआ के बारे में पढ़ा भी है कि ये सबसे बड़ा जीवाणु होता है, और थायोबैसिलस। दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सल्फर बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत बैगिया टोआ और थायोबैसिलस, ये सल्फर के यौगिकों का उपयोग करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और उसी से अपना भोजन भी बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है आयरन बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस, यहाँ पर लिखा गया फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स और गैलियोनेला। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, लेप्टोथ्रिक्स, फेरोबैसिलस और गैलियोनेला, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आयरन के फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में चेंज करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन के यौगिकों को विभिन्न अदर नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदला जाता है। तो इस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का उपयोग करके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रोसोमोनास है ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर अगर दोनों विकल्प में है तो आपका जवाब होगा नाइट्रोसोमोनास, और अगर पूछा गया कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, दोनों अगर ऑप्शन में है तो आपका जवाब होगा नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ से कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे इसलिए आप विधिवत इसको याद कर लीजिएगा कि अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास। इसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद अगला है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने में। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजनोमोनास। हाइड्रोजनोमोनास जो है ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके और उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको एग्जाम्पल ही याद करना है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। ये तो हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ में तीन। इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ में जाएंगे तो वहाँ पर चार हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर तीन फोटो ऑटोट्रॉफ में, चार हो गए आपके कीमो ऑटोट्रॉफ में। तो ये तो हो गए ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं विभिन्न प्रकार के एनर्जी का यूज करते हुए, विभिन्न स्रोतों से एनर्जी का यूज करते हुए। इसके बाद हमारा अगला है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि किसी ना किसी अदर स्रोत से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें पहला है फोटो हेटरोट्रॉफ। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज न करके किसी अदर कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम और रोडोसिंडोमोनास और रोडो
स्पाइरिलम। इसके बाद अगला है कीमोहेट्रोट्राफ। यहाँ पर देखिए कीमोहेट्रोट्राफ्स जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। इस आधार पर इनका कई ग्रुपों में बंटवारा किया गया है, जिसमें पहला है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया से। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट की हिंदी होती है अविकल्पी, अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब है कि इनको सेप्रोफाइटिक के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सड़ा गला पदार्थ इन्हें नहीं मिला तो ये अपना भोजन कहीं और से नहीं लेंगे, मर भले जाएंगे। जिसका एग्जाम्पल है बेसिलस बुल्गेरिस और क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम, दो जीवाणु हैं जो कि हमेशा सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन लेंगे। जैसे आदमी में क्या है, मनुष्य में क्या है कि हम लोग शाकाहारी हैं लेकिन शाकाहार ना मिले तो मांसाहारी भी खा के जीवन बिता सकते हैं। लेकिन शेर का क्या है, शेर अगर मांसाहारी है तो मांस ही खाएगा, शाकाहारी नहीं खाएगा, पेड़ पौधों से अपना भोजन नहीं लेगा, मर भले जाएगा, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जबकि हमारे पास विकल्प है, हम जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बैक्टीरिया पर भी लागू होता है कि ये दो जीवाणु ऐसे हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन लेंगे। अगर सड़ा गला पदार्थ नहीं मिला तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी होते ये मर भले जाएंगे लेकिन किसी और स्रोत से अपना भोजन नहीं लेने वाले हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम आप देख रहे हैं, ये क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम फूड पॉइजनिंग भी उत्पन्न करता है। कभी या कभी आप सुनते हैं कि बारात में खाना खाने से 25-30 लोग इकट्ठा बीमार पड़ जाते हैं, तो वो उसका कारण यही होता है कि जब खाना सड़ने लगता है तो उनके खाना सड़ने का कारण ही यही है कि उसमें क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम का इन्फेक्शन हो जाता है। और इसी खाने को खाने से कई लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जाता है, वैसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हम पढ़ाएंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है जिससे कई लोग इकट्ठा बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद सेप्रोफाइटिक का जो दूसरा कैटेगरी है वो है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी, इनके पास विकल्प है। वैसे तो ये मूल रूप से होते तो हैं सेप्रोफाइटिक, मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ज़्यादातर लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर सड़ा गला पदार्थ नहीं मिला तो ये भूखे मरने वाले नहीं हैं बल्कि ये किसी और स्रोत से अपना भोजन ले लेंगे, जिसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, अदर स्रोत का मतलब पैरासाइट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से ये होते तो मृतोपजीवी हैं, लेकिन अगर मृत पदार्थ नहीं मिला तो ये पैरासाइटिक के रूप में भी रहकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, मतलब अदर स्रोत से भी अपना भोजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल होगा क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम और बेसिलस बुल्गेरिस, और फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल होगा स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद दूसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब है कि परजीवी, ये ऐसे जीवाणु हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों को हानि पहुंचा कर लेते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। तो ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अविकल्पी, अविकल्पी परजीवी, मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, परजीवी रहना है तो परजीवी ही रहेंगे। अगर परजीवी के लिए होस्ट नहीं मिला
तो ये मर भले जाएंगे, लेकिन अदर्शों से ये भोजन लेने वाले नहीं हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसके द्वारा मनुष्यों में कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसे कुष्ठ रोग या लेप्रोसिस रोग कहते हैं आप। ये कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। मतलब कि ये मनुष्य के ऊपर जो कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है तो मनुष्य के ऊपर ही ये जिंदा रह पाएगा, अगर सड़े गले पदार्थों पर भेज दिया जाए तो वहाँ पर ये डेड कर जाएगा, मर जाएगा। जबकि पैरासाइटिक में अगला है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी, इसके पास विकल्प है। मूल रूप से होता तो ये परजीवी है, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिला इसको जिंदा रहने के लिए तो ये सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन ले लेगा, इसीलिए इसे विकल्पी कहा गया है। इसके पास विकल्प है, अगर है होस्ट तब तो ये पैरासाइट ही रहेगा, लेकिन अगर होस्ट नहीं है तो ये सेप्रोफाइट बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके द्वारा मनुष्य में टीबी रोग हो जाता है। मनुष्यों में जो टीबी रोग का जीवाणु है ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। मनुष्य अगर मिल गया तो जाके वहाँ पे टीबी उत्पन्न करेगा, वहाँ से भोजन लेगा। अगर मनुष्य नहीं मिला तो ये सड़े गले पदार्थों में भी जिंदा रहेगा, और जब मनुष्य मिलेगा तो उनमें ये संक्रमण करता रहता है। तो यहाँ से देखिए सेप्रोफाइट से एक बार फिर से देखिए, सेप्रोफाइटिक में जो ऑब्लिगेट होता है ये मूल रूप से तो होता मृतोपजीवी है और इसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। ये मृतोपजीवी है तो मृतोपजीवी ही रहेगा, अन्यथा ये मर जाएगा, लेकिन पैरासाइट के रूप में कभी नहीं रहेगा। जबकि जो फैकल्टेटिव है इसके पास विकल्प है, मूल रूप से होता तो ये भी मृतोपजीवी है, लेकिन अगर मृत पदार्थ नहीं मिला तो ये पैरासाइट के रूप में भी जिंदा रह लेगा। और पैरासाइट में देखिए यहाँ पर भी ऑब्लिगेट है, अविकल्पी है। ये मूल रूप से क्या, आप कह लीजिए कि ये पूर्ण रूप से पैरासाइट होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री या कुष्ठ रोग का जीवाणु है। और जो फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव मूल रूप से तो पैरासाइट होता है, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिला तो ये मृतोपजीवी बन जाता है और सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन ले लेता है, जिसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता सहजीवी। सहजीवी जीवाणु जो होते हैं ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और या वहाँ से ये अपना भोजन लेता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसका पूरा नाम होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक का। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी कि क्या ऐसा कारण है कि ये बैक्टीरिया केवल दाल वाली फसलों की जड़ों की गांठों में ही पाया जाता है। तो इसका कारण है कि उसके गांठों में, मतलब जड़ों की गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के कारण ही ये बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पर लेग फार लेग्यूमिनोसी होगा, क्योंकि दाल वाली जितनी भी फसलें हैं सब लेग्यूमिनोसी फैमिली में रखी गई हैं, तो वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन। एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, विकल्प में दे देगा दाल वाली फसलें। तो ऐसा नहीं है कि आप दाल वाली फसलें वहाँ पर ना लगा करके हीमोग्लोबिन समझ करके कोई एनिमल वहाँ पर लगा दें। इसके बाद अगला है हमारा एग्जाम्पल फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और जैंथोमोनास, जैंथोमोनास भी हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का अदर एग्जाम्पल है। तो राइजोबियम, फ्रैंकिया और जैंथोमोनास। इसके अलावा एक और जीवाणु है जो कि हमारी आंतों में पाया जाता है, ई कोलाई, और हमारी आंतों में वह विटामिन बी और विटामिन के उत्पन्न करता है। तो ये तो हो गया जीवाणुओं में पोषण। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में जो श्वसन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो एरोबिक होता है और एक एनएरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय, मतलब वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसका मतलब होगा अवायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
तो देखिए, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्य रूप से तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेंगे। यहाँ पर जो फैकल्टेटिव हैं, देखिए इसमें दो हैं, एक ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, जो इसके पहले पढ़े हैं, इसका कोई विकल्प नहीं, एजोटोबैक्टर, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये मर जाएगा, इसके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेगा, कौन? एसिटोबैक्टर एसिटी और क्लास्ट्रीडियम टिटनी। एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है ये शुगर को सिरका में बदलता है, सिरका बनाने के काम में आता है, और जो क्लास्ट्रीडियम टिटनी है ये मनुष्य में टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। तो ये फैकल्टेटिव एरोबिक का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम और एसिटोबैक्टर, और जबकि ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल हो जाएगा एजोटोबैक्टर। इसके बाद दूसरा है अवायवीय बैक्टीरिया। अवायवीय का मतलब है ये मुख्य रूप से तो बिना वायु के, हाँ यहाँ पर देखिए इसमें भी दो हैं, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। जो ऑब्लिगेट है ये तो शुद्ध रूप से अवायवीय ही होता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, जो कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, जो कि फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। और दूसरा है फैकल्टेटिव, तो फैकल्टेटिव के अंतर्गत आता है एसिटोबैक्टर एसिटी को छोड़कर जितने भी किडवन करने वाले या फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सब आ जाते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक में। तो यहाँ पर जो पूरा चार्ट है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर विधिवत नोट्स बनाकर आप 4-5 बार इस चार्ट को बनाइए और मुझबानी आप याद कर लीजिए। यहाँ से एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझा दिया जाएगा और वो आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स याद करने से ही आपको याद होगा। बार बार आप लिखेंगे, 2-4 बार आप चार्ट बनाएंगे तो याद हो जाएगा। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में इसको मत लीजिएगा, यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। खास करके यहाँ पर जो शुरुआत में फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो सेप्रोफाइटिक नेचर के हैं, और यहाँ पर सिम्बायोटिक से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर रिस्पायरेशन के। तो यहाँ पर जितने भी आपको चार्ट फ्लो में बनाया गया है, इस चार्ट के हिसाब से अगर आप स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें आपको कन्फर्म होता चला जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो लगातार पहुँचता रहे। धन्यवाद।